सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा निर्णय ले लिया है। वही सचिन पायलट की इन दिनों चर्चा राहुल गांधी और आलाकमान के साथ अजय माखन, केसी रेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक। सचिन पायलट की पहुंच और भी आगे बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सचिन पायलट ने कांग्रेस के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, वही दूसरी तरफ बताया जा रहा था कि गुज्जर बाहुल्य सीटों पर सचिन पायलट मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे और सचिन पायलट ने बखूबी इस कार्य को पूरा किया। करीब 12 सीटों पर सचिन पायलट ने प्रचार किया, जिसमें से 9 सीटों पर वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय रहे। वहीं दूसरी तरफ अब ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, बल्कि सचिन पायलट गुट से जुड़े हुए विधायकों को वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देश में प्रमुख रूप से शामिल है पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा को वापस, दोनों ही मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ 2 और मंत्री बनाए जाएंगे सचिन पायलट कैंप से। सचिन पायलट कैंप से जुड़े हुए मुरारी लाल मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत और हेमाराम चौधरी का नाम भी इस रेस में शामिल है। वही दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, बल्कि सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअध्यक्ष या महासचिव अभी बनाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ जिस प्रकार सचिन पायलट गुट को करीब 1 महीने पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा रहा था, लेकिन सचिन पायलट ने कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनने से इनकार कर दिया था। अब बताया ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारिणी अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट की इन दिनों लोकप्रियता राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा कई राज्यों में सचिन पायलट की बढ़ती हुई लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट ने अभी हाल ही में चुनावों के दौरान सचिन पायलट ने इन सभी राज्यों का दौरा भी किया था और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं भी सचिन पायलट ने की। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट की फाइल इन दिनों राहुल गांधी के पास पहुंच चुकी है। अब सचिन पायलट को जल्द ही कांग्रेस का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस का कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया है। अब सोनिया गांधी की जगह सचिन पायलट को 1 साल के लिए कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उसके बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सचिन पायलट को दी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।